हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे उन चार स्टॉक्स को जिसमें मंडे को आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूएस मार्केट के बारे में, तो यहाँ तीनों ही मेजर इंडाइसेस में कल हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिला है, जिसके बाद हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे एक डाउनसाइड रिस्क को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसमें दिन भर हमें एक सेलिंग प्रेशर के चलते यहाँ पे एक गिरावट यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडीआर लेवल्स के बारे में, तो ऑलमोस्ट सभी एडीआर में एक गिरावट को देखा जा सकता है। तो इनके क्लोजिंग के बेसिस पे आप इनमें अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें फ्राइडे को एक सिग्निफिकेंट पुलबैक हमें देखने को मिला है और स्टॉक ने अपने इंट्राडे हाई के लेवल्स पे यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इन केस अगर मंडे को ये आपको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देता है और अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल को इसे ये सस्टेन करता है, तो आपको इसमें 500 और 505 तक के यहाँ पे दो टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उस सिनेरियो में आप इनमें करंट क्लोजिंग लेवल के ऊपर अपना बाई यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एयरटेल के बारे में, जिसमें फ्राइडे को एक सिग्निफिकेंट रैली यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इवन मार्केट काफी वोलेटाइल रहा, फिर भी हम इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 3.7% का एक अपसाइड को यहाँ पे अभी के लिए देख सकते हैं। करंटली इसके ऑर्डर बुक में एक बाइंग प्रेशर को देखा जा सकता है और इवन आपको इसके फ्यूचर साइड में भी ये सिमिलर ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे 496 के ऊपर अपना बाई इनिशिएट कर सकते हैं और आपको इसमें 500 और 503 तक के दो टारगेट्स यहाँ पे दोनों दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें इंडेक्स में काफी गिरावट आने की वजह से इस स्टॉक में भी आपको यहाँ पे एक डाउनसाइड रिस्क अभी के लिए देखने को मिलेगा और करेंटली स्टॉक अपने सपोर्ट के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हम देख सकते हैं। तो अगर इसका सपोर्ट मंडे को ब्रीच होता है यानी टूटता है, तो आपको इसमें एक डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया के नंबर वन ब्रांड HDFC बैंक के बारे में, जिसमें हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2.3% का एक डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी के लिए स्टॉक अपने इंट्राडे लो के काफी करीब ट्रेड कर रहा है और इवन इसके फ्यूचर साइड में हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड रिस्क अभी के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें 1060 के नीचे अपना सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे 1050 और 1045 तक के यहाँ पे दो टारगेट्स मंडे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही अगर आपको चैनल के साथ अप टू डेट रहना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने तीसरे स्टॉक की ओर बढ़े। तीसरा जो स्टॉक है, इसमें भी पिछले कुछ दिनों के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक करेंटली एक डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड होता हुआ आगे कुछ टाइम तक देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक ने अपने लो इंट्राडे लो पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, तो अगर ये इसके नीचे मंडे को अपना ओपनिंग देता है, तो आपको इसमें एक डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपोलो टायर्स के बारे में, जिसमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें ऑलमोस्ट 3.1% का एक डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। करेंटली इसके ऑर्डर बुक में हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं और इवन इसके फ्यूचर साइड में भी आपको एक सिमिलर यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे 130 के नीचे अपना सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और आपको इसमें 128 और 127 तक के यहाँ पे दो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम आखिरी स्टॉक को देखते हैं, तो आखिरी स्टॉक में एक साइडवे ट्रेंड पिछले कुछ टाइम से देखा जा सकता है, लेकिन ये ऐसे ही एक चैनल में ट्रेड करते हुए अपने प्रीवियस सपोर्ट के काफी करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आपको इसमें एक फर्दर डाउनसाइड मंडे को भी दिखाई दे सकता है, प्रोवाइडेड ये अगर 63.5 के नीचे अगर ये आपको ओपन होता हुआ दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं L&T फाइनेंस के बारे में, जिसमें पिछले कुछ टाइम से हमें प्रॉफिट बुकिंग के चलते ऑलमोस्ट 5-10% तक एक गिरावट देखने को मिल चुका है।
करेंटली हम स्टॉक को 63.5 के जस्ट ऊपर क्लोज होता हुआ देख सकते हैं, जिस लेवल पे इसके फ्यूचर साइड में काफी ज्यादा हमें एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप इसमें 63.5 के नीचे अपना सेल अपना इनिशिएट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे 62.5 और 62 तक के टू टारगेट्स यहाँ पे मंडे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करने में कोई इशू है तो आप उसे रिजॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके एक वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहां आपको इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद उन दो प्लेलिस्ट को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में तो ये कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी ऊपर यहाँ पे ओपन होता है, लेकिन बाद में इसमें एक सेलिंग प्रेशर आने की वजह से इसने फाइनली यहाँ पे 11,516 पे अपना क्लोजिंग दिया है। इसके डेली कैंडल्स पे करंटली इस वीकनेस को यहाँ पे देखा जा सकता है क्योंकि इसने अपने 9 डे के EMA लेवल के जस्ट ऊपर ही अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इन केस अगर आपको मंडे को इसका 9 डे का EMA लेवल टूटता हुआ दिखाई दे तभी आपको इसमें एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आगे के लिए देखने को मिल सकता है। इस बात को अगर आप इसके वीकली ऑप्शन चेन से कंफर्म करना चाहें तो यहाँ आपको पुट लेवल्स पे इस बात का एक प्रूफ देखने को मिलेगा। करंटली हम यहाँ पे 11,500 पे एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ अराउंड 33,83,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को यहाँ पे देखा जा सकता है। इन केस अगर इसके नीचे निफ्टी अपना ओपनिंग देता है तो आपको अगला जो सपोर्ट है वो काफी नीचे यहाँ पे 11,400 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंटली नीचे के लेवल्स पे हम 11,000 से लेके 11,400 के बीच में एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को यहाँ पे देख सकते हैं। करंटली 11,000 पे यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हमें दिखाई दे रहा है, तो हम नेक्स्ट 5 डेज के लिए यहाँ पे 11,000 को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम इसके कॉल साइड को चेक करें तो यहाँ 11,500 पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे मोर देन 4 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए निफ्टी में हमें एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस 11,500 के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इन केस निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करता है तो आपको जो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 11,600 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे अराउंड 5.3 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे ऐड होता हुआ देखा जा सकता है और इसी लेवल पे हम टोटल 34,47,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में तो यहाँ भी सिमिलरली एक वीकनेस को यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर आने की वजह से इसने फाइनली यहाँ पे 22,063 के ऊपर यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे कल दिन के ट्रेडिंग सेशन के दौरान इसने 22,000 के लेवल को ब्रेक किया था, तो आपको यहाँ पे 22,000 के लेवल को एज ए रेफरेंस पॉइंट की तरह यहाँ पे कंसिडर करना है। अगर आपको मंडे को ये फिर से टूटता हुआ दिखाई दे तभी आपको इसमें फिर से ये डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हम सिमिलरली 22,000 के ऊपर एक इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट को यहाँ पे जनरेट होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि करंटली इस लेवल पे अराउंड 6,10,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को यहाँ पे देखा जा सकता है। इन केस अगर ये लेवल भी आपको टूटता हुआ दिखाई दे तो अगला जो सपोर्ट है वो हमें नीचे 21,500 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इवन हम फर्दर डाउनसाइड की ओर अगर हम रुक करते हैं तो 21,000 के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगले कुछ दिनों तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल लेवल्स को यहाँ पे चेक करें तो 22,000 पे हमें एक चैलेंज यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है, यानी बैंक निफ्टी 22,000 के लेवल को यहाँ पे सस्टेन करने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उस सिनेरियो में अगर ये इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब बनता है तो आपका जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 22,500 का लेवल, क्योंकि करंटली इस लेवल पे अराउंड 4.47 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देखा जा सकता है और हम इसी लेवल पे मोर देन 10,88,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप हायर साइड में यहाँ पे 22,500 को एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके साथ स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो शेयर करते रहते हैं।
और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।